हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ स्टाइल्स ऑफ देसी कपल। सो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जर्मन पेसलिप के बारे में। सो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जर्मन पेसलिप्स कैसी होती हैं, उनके ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, हर सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सो ये कंप्लीट वीडियो जर्मन पेसलिप के एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। तो अगर आपको समझना है कि जर्मन पे स्लिप कैसी होती है, क्या डिडक्शन होते हैं, किस टर्म का क्या मतलब होता है और कहां कहां आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बाकी सारी कंट्रीज़ की तरह जर्मनी में भी आपकी मंथली एक पे स्लिप जनरेट होती है, जिसमें कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है और क्या क्या डिडक्शन होते हैं उसके बेसिस पर आपकी कितनी नेट इनकम बन रही है वो आपको एक्सप्लेन किया जाता है। सो इसमें आपकी डिटेल्ड सैलरी होती है जिसमें मंथली एंड एनुअली दोनों फिगर्स डिटेल में लिखे होते हैं। प्लस इसमें जो भी आप सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो भी टैक्सेशन होता है वो सब कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन होता है। सो जो इसमें पहला सेक्शन होता है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका टैक्स आईडी और आपकी टैक्स क्लास क्या होती है। सो आपको जो यहाँ पर डिटेल दिख रही है ये सारी होती है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जिसमें कि आपको जर्मन टर्म्स और इंग्लिश टर्म्स दोनों मैंने एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस टर्म का मतलब क्या होता है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली आपको अपने बारे में सब पता ही है तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेस्लिप का जो अगला सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिटेल सैलरी होती है और सारे डिडक्शन कैलकुलेशंस इधर पर होते हैं। सो ये सारे टर्म्स थे जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपका कौन सा कंट्रीब्यूशन कहाँ जा रहा है। आप अपनी सैलरी स्लिप को ओपन करके ये सब चेक कर सकते हैं। पर अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली देखने की कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो पर जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, कितना क्या डिडक्शन होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। थोड़ा बड़ा वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सब कुछ इन डिटेल जानना है। वैसे तो अगर आपकी कोई सैलरी कैलकुलेट हो रही है और सारे कंट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताए हैं उसमें क्या क्या अमाउंट है आप देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे और इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का जो स्टैंडर्ड है सैलरी स्ट्रक्चर का वो यही है। ये सारे डिडक्शन, सारे कॉन्ट्रीब्यूशन सब ऑलरेडी डिफाइन है तो वो तो होने ही वाले हैं, बट आप एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पैसे कहाँ कट रहे हैं, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ हो रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा अगर ये आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उस सब से आप अवेयर हो सकते हैं और ये टर्म से आप अवेयर हो सकते हैं। सो ये तो था सेकंड सेक्शन, अब हम चलते हैं थर्ड सेक्शन पर। सो जो थर्ड सेक्शन है वो थोड़ा ओवरव्यू है इन सारी चीज़ों का, जहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपकी मंथली और आपकी ईयरली इनकम कितनी है, कितनी कैलकुलेट होगी और जो भी टैक्स डिडक्शन थे और कंट्रीब्यूशन थे उनके रेट्स क्या हैं और आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। सो ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको ये लास्ट सेक्शन में मिलेंगे। सो अगर आप अपनी सैलरी स्लिप को देखेंगे तो जो मिडिल वाला सेक्शन है, जो सेकेंड सेक्शन मैंने आपको बताया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी जो हमेशा सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। और लास्ट सेक्शन में भी आपको ये सब का एक डिटेल व्यू देखने को मिलेगा, मतलब एक ब्रीफ मिलेगा और वो भी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा डिडक्शन के बेसिस पे जो कैलकुलेट होकर आएगा वो हमेशा सेम ही होगा। आपका जो नेट इनकम पर मंथ आएगी वो हमेशा सेम होगी। पर जो मिडिल सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इस सेक्शन में पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ग्रॉस सैलरी से आपकी नेट सैलरी पर पहुंचने तक। सो मेरे हिसाब से अगर आपको ये सैलरी स्लिप समझ में आ जाती है तो आपके दिमाग से एक बोझ हट जाएगा कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है और अगर इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसके क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, आपको कितनी सारी यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही हैं
और वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, उसका क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा अगर आपको ये सेकेंड सेक्शन अच्छे से समझ में आता है तो। तो देखा आपने कि कितने सारे डिडक्शन होते हैं जर्मनी में जब सैलरी कैलकुलेट होती है। इसीलिए जो ग्रॉस सैलरी होती है और जो नेट सैलरी होती है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट डिफरेंस होता है। पर इसी के साथ साथ ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये आपके फ्यूचर में काम आते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाती है किसी वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपने किया है वो आपके काम आएगा। कभी आपको कोई भी छोटी बड़ी बीमारी हुई, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम हुआ हेल्थ रिलेटेड, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको फुल फैसिलिटी देता है। सब कुछ आपको वहाँ पे कुछ पे नहीं करना होता, वहाँ पे आपको सब कुछ जो कि आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसकी वजह से आपको सब कुछ फ्री मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको उसके लिए कभी कोई अमाउंट सेव करके नहीं रखना है कि मेडिकल इश्यूज़ के लिए आपको कोई अमाउंट सेव करना है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट अच्छी है, तो ये जो टैक्स डिडक्शन हो रहे हैं, कैलकुलेशन हो रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे काम आ रहे हैं। पर हाँ जो अमाउंट डिफरेंस आता है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, पर इसी के साथ साथ फैसिलिटी भी है। तो अगर आप देखें कि अमाउंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये भी सोच लें कि कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपकी फैमिली को मिल रहा है। आप मेंटली रिलैक्स हो कि कल को कोई प्रॉब्लम हुआ के साथ या आपकी फैमिली के साथ तो आपको ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हेल्प ज़रूर करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। कहीं कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ अगर आपको ये सारे डिडक्शन अच्छे से समझने हैं तो आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। सो आप इसमें जाके अच्छे से चेक कर लें, थोड़ा बड़ा वीडियो है बट बहुत डिटेल में है तो बहुत हेल्पफुल है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।